आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर कुशीनगर जिले से है, जहां बुद्ध जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के लुम्बिनी से प्रस्थान करने के बाद कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने उनका स्वागत किया। बता दें कि भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा पर चीवर अर्पित किया। इस दौरान देवरिया के सांसद और कुशीनगर के सभी विधानसभा के सम्मानित विधायक भी मौजूद रहे। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र देकर के उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मंदिर में आते हैं तो भगवान बुद्ध के दीप प्रज्वलन करके पुष्प अर्पित करते हैं। तत्पश्चात हम अपने गुरु जी के नेतृत्व में मंगल कामनाएं करते हैं, सूत्र पाठ का आयोजन करते हैं और प्रधानमंत्री जी के लिए सफल विजय के लिए कामना करते हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी महापरिनिर्वाण मूर्ति पर चीवर अर्पित दान करते हुए बुद्ध से आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद में भगवान बुद्ध को और भिक्षुओं के द्वारा उनको एक बुद्ध की प्रतिमा। बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कुशीनगर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कुशीनगर पहुंचे, जहां पे विधायक और सांसद सभी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस किस तरह से उन्होंने पूजा अर्चना की, चीवर चढ़ाया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां लखनऊ भी आए थे और साथ ही साथ कुशीनगर भी गए थे। मैनपुरी में बुद्ध जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन जनपद के थाना भोगांव स्थित ग्राम जय जसराजपुर में किया गया। भगवान गौतम बुद्ध आज न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विश्व के अनेक देशों में इनके अनुयायी हैं और मैं समझता हूँ संगता जो बौद्ध सर्किट है उसमें से सबसे महत्वपूर्ण ये स्थल है जहाँ उनकी मान्यता के अनुसार यहाँ अवतरित हुए थे। और आज हमारा सौभाग्य है कि बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग माननीय सांसद जी के साथ, माननीय विधायक जी के साथ, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत जी के साथ इस स्थान पर आज उनको स्मरण करने के लिए, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी के 7 सदस्य प्रतिनिधि मंडल एटा पहुंचे। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा तोड़े गए अवैध बिल्डिंग के मामले में मकान मालिक से मुलाकात की। साथ ही विधायक प्रदीप यादव का कहना है कि जांच के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट देंगे, जिसके बाद पार्टी कोई ना कोई तरीका अपनाएगी जिससे जनता को न्याय मिल सके। अब आप हमें एक बता दो, शरीफ घर की महिलाएं उनका क्या कसूर है? महिलाओं तक पे मुकदमा लिखे गए, 4-4 महिलाओं पे लिखे गए। तो आज पूरा प्रतिनिधि मंडल, जिसमें हम अकेले नहीं हैं, हमारे विधायक किसनी हैं, विधायक जी हमारे बगल के विधायक जी हैं, जसराना जिला अध्यक्ष जी हैं, हमारे नेहा जी हैं, ये अध्यक्ष हैं, युवजन सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे युवजन
राज्यसभा के छात्र संघ के हैं, ये सारे लोग जनप्रतिनिधि आज कप्तान साहब से मिलने आए, जो डीएम साहब है नहीं उनसे भी मिलते हैं। आपने पूरा भरोसा ये दिलाया है कि कहीं किसी भेदभाव। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भयंकर गर्मी की मार देखने को मिल रही है। बांदा में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जहां पिछले करीब एक हफ्ते से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जबरदस्त तपिश का दौर चल रहा है और उमस बढ़ने के कारण लोगों को गर्मी की दोहरी मार सहन करनी पड़ रही है। अगले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में जबरदस्त तपिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसके अलावा पूर्वी और पहाड़ी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में मौसम आमतौर पर सूखा रहने की बात कही गई है। आज लखनऊ में बड़े मंगल की धूम देखने को मिल रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, कई जगह भंडारों का आयोजन किया गया। कोरोना काल के बाद इस बार बड़ी धूमधाम के साथ बड़ा मंगल मनाया जा रहा है। भक्तों में बड़ा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। बता दें लखनऊ में बड़े मंगल की परंपरा 400 साल से भी पुरानी बताई जाती है। अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर की स्थापना नवाब शुजाउद्दौला की बेगम और दिल्ली की मुगलिया खानदान की बेटी आलिया बेगम ने कराई थी। इसका निर्माण 1752 से 1802 के बीच हुआ था। बड़े मंगल की परंपरा अलीगंज के हनुमान मंदिर से शुरू बताई जाती है, पर अब ये परंपरा बाकी जिलों तक भी पहुंचती नजर आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के बुजुखाने में शिवलिंग मिलने से आगरा के हिंदू समाज के लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठी है। लोगों ने रावली मंदिर के बाहर ढोल नगाड़ों की धुन पर जमकर डांस किया और साथ ही हिंदू समाज के लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। जी मिष्ठान वितरण करने का सीधा सा कारण है, जो सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में वाराणसी में चल रहा था उसके अंदर 12 फीट 8 इंच लंबी शिवलिंग की प्रतिमा प्राप्त हुई है। ये सनातन की बहुत बड़ी जीत है और ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो हिंदूवादी हिंदू महासभा और हिंदू जो वकील हैं वो दावा कर रहे हैं कि ये हिंदुओं की हैं, ज़बरदस्ती मुगल आक्रांता और लुटेरों ने तोड़ करके मस्जिदें बनाई, तो ये हमारा दावा सत्य साबित हो रहा है। ये बहुत बड़ी जीत है और इस निर्णय को आने में ये बहुत बड़ा काम करेगी, मील का पत्थर साबित होने वाली है। इसी खुशी में हर हिंदू आदि आज स्थान वितरण करके अपना जश्न मना रहा है। भी पुरानी जो विरासत है जिनको मुगल आक्रांताओं द्वारा तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई और उसके ऊपर मस्जिद और मकबरा जैसी चीजों को चिन्हित कर दिया गया। यहाँ पर हिंदू महासभा लगातार बाबरी मस्जिद से लेकर तेजो महले तक की लड़ाई लड़ रहा है और जिस तरीके से काशी के अंदर ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसके अंदर भगवान भोलेनाथ की पिंडी निकली है, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि मुगल आक्रांताओं द्वारा यहाँ तोड़ी गई है और लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग यह भी मांग करते हैं कि तेजो महले को भी तोड़ा जाए और तेजो महले तोड़कर उसके अंदर जो मकबरा है उसके अंदर आप कब्र खुदवाइए। अगर शिव निकलेंगे तो वह हमारे हैं और सब निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए योगी सरकार की ओर से चलाए गए मिशन शक्ति अभियान को और रफ्तार मिल रही है। वहीं जिले में मिशन शक्ति लखनऊ टीम की तरफ से थाना अलापुर के ग्राम इकरी में जागरूकता का अभियान चलाया गया। इस मौके पर जिला समाज कल्याण अधिकारी महिला थाना SHO रेणु सिंह बदायूं भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। खबर अयोध्या से है, जहां कोतवाली बीकापुर में बदमाशों के हौसले सातवें आसमान पर है। बता दें जलालपुर तिराहे के पास बाइक सवार युवक से 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी करके कुछ घंटे के अंदर ही अपराधियों को हिरासत में ले लिया। बता दें 2 दिन तक कोतवाली में पंचायत करने के बाद पकड़े गए बदमाशों को CRPC की धारा 151 में चालान करके पूरे मामले का अल्पीकरण कर दिया गया। कि मालिक हमारे पास फोन किए 4-4:30 बजे के बीच में, हम गए टंकी पे पैसा लिए, पैसा लेने के बाद में घर गए, घर से फिर किया में फिर दोबारा मालिक फोन किए, फिर सीधा हम गए क्या कहते हैं पातोपुर निमंडार था, 47,000 रुपए हम दिए थे अपने पास। इसके बाद में वहाँ से खा के निकलने लगे तो 4 बदमाश वो क्या कहते हैं हमारा पैसा छीन लिए, हमें मारे पीटे। इसके बाद में बदमाशों को भी पकड़ के बीकापुर कोतवाली में बंद किया गया, हमें भी बंद कर दिया गया और ना तो हमारा पैसा मिला, हमें भी डराया धमकाया गया, हमारे गले से मतलब धागा था
बदमाश लोग मारे पीटे, इसके बाद में क्या कहते हैं 151 के जमानत में दोनों पक्षों को छोड़ दिया गया, ना तो कब उनके। खबर अलीगढ़ से है जहां पे कुएं में दिन से लापता युवक का शव मिला है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने देर रात बिना परिजनों की अनुमति के मृतक का अंतिम संस्कार करा दिया। मृतक के भाई बहन थाने के बाहर बैठ के पुलिस से शव लेने की गुहार करते रहे। इस पूरे मामले में थाना अध्यक्ष की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसके बाद भी पूरे घटनाक्रम पर पुलिस के आला अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि ये युवक कई दिन से लापता था। हमारा भाई 3 दिनों से लापता था, मौसी का फोन आया कि तेरा भाई लापता है, तो हम देखने के लिए गए थे। तो हम अपनी पोस्टमार्टम के लिए भाई भेज के आया था, फिर मन से गए थे कि हमारी लाश हमारे भाई को हमें दे दो, इन लाश लाएंगे हम अपने ससुराल। तो उनसे मना कर दिया, नो कह दी कि विजयगढ़ पहुँचे थाने में, वहीं पर आ रही है लाश। माँ पन्नी पहुँचे तो मन से सूझी माँ पन्नी ले गए शमशान घाट लगाने के लिए। माँ पन्नी में कोई नहीं था हमारा, फिर हम अपने ससुराल वालों को लेके गए साथ, तो मना कर दी गाँव वालों ने और पुलिस वालों ने मिलकर लगा दी। मैं अपनी दीदी और हम सारे रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे, तो वहाँ पे गांव पहुँचे तो वहाँ पे चील घर ले गए थे। चील घर से तो माँ से हमने बोली कि हम इस बॉडी को हमको दे दो, तो मैंने और दीदी ने बोली, तो उन्होंने बोली आप थाने चलो, थाने से मिलेगी। तो हम थाने आए, तो थाने हम देख रहे बॉडी आ रही होगी। तो वहाँ पर पता चला कि प्रधान और बाकी पुलिस वाले लोग ले गए यहाँ पता ना कहाँ पे, और हमको बॉडी नहीं मिली थी। बॉडी नहीं मिली तो पता चला कि उन्होंने चिता में आग लगा दी। खबर गाजियाबाद से है जहां स्मारक शहीद स्थल पर पीएसी के बैंड द्वारा देशभक्ति की धुन बजाई गई, जहां इस दौरान पीएसी के कमांडर राजेश श्रीवास्तव, एडिशनल एसपी अलका धर्मराज भी मौजूद रही। ये गर्व की बात है कि आजादी के 75वें महोत्सव की तैयारी को लेकर पीएसी के बैंड की धुन बजाई जा रही है, और कहा जा रहा है कि आज भी ये कार्यक्रम स्मारक को शहीद स्थल पर किया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज़ादी का 75वां दिवस मना रहे हैं स्वतंत्रता का, जिसमें कि अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारे उत्तर प्रदेश पीएसी बल के द्वारा जहां जहां भी हमारी बैंड की जो टीम है उनके द्वारा महत्वपूर्ण स्थलों पर जहां पे जनता की सहभागिता रहती है और जनता को देशभक्ति के संबंधित जो बातें हैं जो है किताबों में हैं उनको प्रेरित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए इस तरह का आयोजन। गाजियाबाद में रसूखदारों का आतंक एक बार फिर देखने को मिला है, जहां रसूखदारों से परेशान होकर एक युवक ने फांसी लगा ली। आपको बता दें कि परिजनों ने बताया कि युवक को सूदखोर लगातार धमकी दे रहे थे, जिससे परेशान होकर युवक ने खुदकुशी कर ली। घटना से नाराज परिजनों ने युवक के शव को लेकर गाजियाबाद के विजयनगर बाईपास चौकी का घेराव किया और मामले की कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही परिवार का आरोप है कि इस मामले में घटना के दिन शिकायत की गई थी, जिसके 4 दिन बाद भी पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है और आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि हमारे भाई के खिलाफ जो लोग परेशान कर रहे थे उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराना चाहते हैं, जो पुलिस चौकी वाले लिखना नहीं चाहते। आपके भाई ने सुसाइड क्यों किया, क्या वजह रही? क्योंकि रजिया उन्हें परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे ले रखे थे ब्याज पे और उसका 4 गुना दे चुके हैं। 4 गुना देने के बाद भी वो उसको बार बार धमकी देते थे आके घर पे, कि हम तुम्हारे बच्चे को ले जाएंगे, तेरी बहन को उठा के लेके जाएंगे। बहन एक छोटी इन्होंने कुछ लोगों से पैसे लिया था ब्याज पर, उसके नाम में इन्होंने दे दिया उनको, उनका 4 गुना दे चुके हैं उनका, तो ब्याज लिया उनका इन्होंने, उनका 4 गुना ही दे चुके हैं उनको जी। उन्होंने ये कबूला है अपने मैसेज में कबूला है, व्हाट्सअप किया उन्होंने मेरे को जी, ये चीज़ कि मेरे इनको हक वो दे चुका हूँ पैसा ये सारा 4 गुना, फिर भी मुझे हरेसमेंट कर रहे हैं जी। ठीक,
उसके बाद उन्होंने फांसी लगा दी जी। उनको कॉल रिकॉर्डिंग भी है जी, बताया गया जिसमें कि हम मेरी हस्बैंड कर रहे हैं लोग। आपका कहना है कि ब्याज खोरों ने लगातार प्रेशर बनाते रहे। और खबर संभल के असमोली थाना क्षेत्र से है, जहां आए दिन अवैध खनन होता रहता है, जो कि खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी भरकर दिन दहाड़े रोड पर नजर आते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता। जबकि असमोली क्षेत्र के गांव मुबारकपुर में आए दिन अवैध रूप से खनन होता रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन खनन माफिया के सामने मौन बना बैठा है। देखना यह है कि खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई आखिर कब होगी। बिजनौर के कालागढ़ क्षेत्र के हाथीशाला में हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिसके बाद कार्बेट प्रशासन ने पूरे विधि विधान से उसका नामकरण करवाया। आपको बता दें कि हथनी के बच्चे का नाम खुशी रखा गया है। वहीं कार्बेट नेशनल पार्क के डायरेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि हमारे लिए ये बड़ी गर्व की बात है कि यहाँ जानवरों को भी इंसानों जितना ही प्यार मिलता है। बच्चे के नामकरण के सभी मांगलिक कार्य वैदिक मंत्रों के साथ संपन्न किया गया। बच्चे का वजन 80 किलो बताया जा रहा है और बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है जी। ये जो हमारे यहाँ पे कर्नाटक से जो हाथी आए थे, उसमें से ये एक बच्ची का जन्म हुआ है 23 अप्रैल को, और ये लगभग 88 किलो की पैदा हुई थी, और अब ये 22 दिन की होगी। आज इसका नामकरण किया गया, अब ये 98 केजी इसका वजन है और स्वस्थ है ये आराम से, और इसकी मतलब देख रेख हो रही है। नाम इसका जो है, स्टाफ ने पैदा होने की इसकी बड़ी खुशी मनाई थी, तो स्टाफ ने खुशी ही इसका नाम रख दिया कि खबर रायबरेली से है, जहां बछरावा थाना क्षेत्र के पास अनियंत्रित कार ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे साइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई। इस मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी को हिरासत में लिया। खबर गाजीपुर से है, जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी का बच्चों के साथ पीटी करते वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीएसए हेमंत राव बच्चों के साथ पीटी करते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वायरल वीडियो कडला ब्लॉक के सौरम प्राथमिक विद्यालय का है, जहां बीएसए निरीक्षण करने पहुंचे थे, और स्कूल के निरीक्षण के दौरान बच्चों को फिजिकल फिटनेस के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से बीएसए ने स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ पीटी की और बच्चों को फिजिकल ट्रेनिंग दी। इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय सौरम विकास क्षेत्र करंडा का मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया। वहाँ पर देखा मैंने कि प्रधान के द्वारा काफ़ी अच्छा ऑपरेशन कार्यक्रम में कार्य कराया गया है। वहाँ पे बच्चों के प्रातःकाल के पीटी में मुझे भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने बच्चों के साथ वहाँ पे पीटी करी। मेरा यह मानना है कि बच्चों को खेलकूद का एक अच्छा माहौल देना चाहिए, जिससे उनके अंदर अनुशासन, टीम भावना और गोरखपुर में इंडियन रेलवे टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट को पूर्वोत्तर रेलवे आयोजित करा रहा है, जिसमें भारतीय रेलवे की कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, और साथ ही मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि इस मैच के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऑफिसर भी आए हुए हैं। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।